अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपकी खिदमत में बच्चे के खाने के मसलों पे वीडियो तश्कील दी जा रही है। सामीन, उमूमन वालदेन की शिकायत होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता या बच्चा खाना खाने में दिक्कत करता है। ऐसी सूरत में वालदेन को क्या करना चाहिए और किस तरह से बच्चों को ग़िज़ा खिलाने की तरफ राग़िब करना चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ खिलानी चाहिए। बहुत सी माएँ शिकायत करती हैं कि इनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता या खाने में बहुत देर लगाता है। बाज़ बच्चे सिर्फ चंद चीज़ें खाते हैं, इनको इन चीज़ों के अलावा कुछ और खिलाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चे तो खाने को देखते ही रोने लगते हैं और कुछ भी खाने को तैयार दिखाई नहीं देते। बच्चों के खाने की तरफ रागिब करने के लिए आप इन तजावीज़ पर अमल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को खाना खाते हुए भी कभी अकेला न छोड़ें। इनको अपने साथ बिठाएं और अलग प्लेट या प्याले में इनका हिस्सा निकालें। इससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि वो कितना खाना खा रहा है। बच्चा थोड़ा अभी खाने के काबिल हो तो इसे खुद खाने दें। इस तरह वो खाना खाना सीखेगा और इसमें खुद एतमादी भी पैदा होगी। वो अपने खाने में से जितना खुद खा ले, बाकी आप ख़त्म कराने की कोशिश करें। बच्चे के खाने के औकात घर के मामूल के मुताबिक रखें ताकि इसे इसकी ही आदत पड़े। बाज़ घरानों में घर वाले सारा दिन उठते बैठते बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। इससे बच्चे की आदत ख़राब हो जाती है और वक्त पर इसे भूख नहीं लगती। जब बच्चे को खाना खिलाए तो आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ बच्चे पर होनी चाहिए। इसमें खाने के वक्त से दिलचस्पी पैदा होगी और वो खुश दिली से खाना खाएगा। बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा खाना मत रखें। खाने के वक्त को जंग का मैदान ना बनाएं। कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि बच्चे से कहें कि तुम मेरे खातिर ये चीज़ खा लो। खाने की मेज़ पर बच्चे के सामने महदूद खाने रखें और फिर इसे कहें कि वो इन में से थोड़ा थोड़ा खा ले। अगर वो थोड़ा सलाद, थोड़ा गोश्त और चपाती खाता है तो इसे ऐसा करने दें। अगर किसी रात बच्चा ये कहे कि इसे भूख नहीं है और वो खाना नहीं खाना चाहता तो इससे कुछ न कहें। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद खाने की तरफ रागिब हो जाएगा। कुछ बच्चे बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, इन्हें मखसूस वक्त दें ताकि वो इसमें अपना खाना ख़त्म कर लें। अपने बच्चे को बैठकर खाना खाने पर शाबाश दें, क्योंकि ये अच्छी आदत है। वो बच्चे जो खड़े होकर खाना खाते हैं वो तमाम दिन खाना खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खाने के वक्त नखरे करते रहते हैं। क्योंकि तमाम दिन खाना खाने की वजह से इन्हें भूख नहीं लगती। अपने बच्चे से पूछें कि वो क्यों खाना नहीं खा रहा है। इससे भी बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता खाने की लगन पैदा होती है। कुछ बच्चे अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ दो मर्तबा खाते हैं। आप इन स्नैक्स में कम चिकनाई और फल सब्जियां डालकर विटामिन से भरपूर बना सकते हैं। बच्चे को नए नए खाने बनाकर खिलाने से भी बच्चे खाने की जानिब मुतवज्जा होते हैं। बच्चे को हमेशा खाने के बाद पानी पिलाएं, क्योंकि अगर वो पहले पानी पी लेंगे तो इनसे इनकी भूख कम हो जाती है। ग़िज़ा को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। वालदेन को चाहिए कि वो बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा का अंदाज़ा करके इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। बेहतर तरीका ये है
कि बहुत छोटे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों को तमाम ग़िज़ाओं में से थोड़ा थोड़ा ज़रूर खिलाएं। स्कूल जाते हुए बच्चों की वो बालिग बच्चों की ग़िज़ा से आधी ग़िज़ा ज़रूर खानी चाहिए। कुछ बच्चों में कुदरती तौर पर खाने पीने की ख्वाहिश कम होती है या इन्हें भूख कम लगती है। बच्चों को ग़िज़ाइयत की चीज़ें ज़रूर खिलाएं। बच्चे आम तौर पर क़ीमा, पनीर के सैंडविच और चटपटी ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं। ऐसी ग़िज़ा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है, मगर बच्चों को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए वालदेन को चाहिए कि अपने बच्चों को इन ग़िज़ाओं के साथ फल, सब्ज़ी, रोटी और चावल भी खिलाएं। अगर बच्चा सब्ज़ियाँ खाने से इनकार करे तो इसे फल खिलाएं। अगर आपका बच्चा कोई एक ऐसी सब्ज़ी शौक से खाता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है तो फ़िक्रमंद होने के बजाय इसे खाने दें। लेकिन अगर आपका बच्चा सब्ज़ियाँ और फल खाने से इनकार करे तो ऐसी सूरत में अपने बच्चे को विटामिन के शरबत या गोलियाँ डॉक्टर के मशवरे से दीजिए। कुछ बच्चे शोर मचाते हैं कि इन्हें पहले क्या खाना है और कौन सी सब्ज़ी इन्हें बिल्कुल नहीं खानी है। इसका आसान हल ये है कि वो जो चीज़ पहले खाना चाहते हैं इसे खाने दें। खाना खाने के चंद उसूल मुरतब कर लीजिए। अगर आपका बच्चा खाना खाने में नखरे करता है तो इसे वाज़े तौर पर ये बता दें कि इसे खाने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, और वो खाने का वक्त ख़त्म होने से पहले दस्तरखान से नहीं उठ सकता। इसे बता दें कि अगर वो खाने के वक्त खाना नहीं खाएगा तो इसे बाद में खाना गर्म करके नहीं दिया जाएगा। खाने के लिए बैठने से पहले बच्चे से पूछ लें कि क्या इसे भूख लगी है। ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाले बच्चे, कुछ वालदेन की शिकायत होती है कि इनके बच्चे हर वक्त खाते रहते हैं। बहुत से बच्चे जिस्मानी खेल कूद का ज़्यादातर वक्त टीवी और कंप्यूटर पर सर्फ करते हैं, नतीजतन वो अपनी तवानाई इस्तेमाल नहीं कर पाते और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटे बच्चों को न सिर्फ माशरती तौर पर दोस्त बनाने में मुश्किल पेश आती है बल्कि आगे चल के जिस्मानी तौर पर गंभीर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों और हड्डियों का दर्द जैसी बीमारियां शामिल होती हैं। अगर बच्चा ज़्यादा खाता है तो इसके साथ खेले और इन्हें वर्जिश कराएं। अपने बच्चे के लिए टीवी देखने और कंप्यूटर के सामने बैठने के औकात मुकर्रर करें और कभी भी इसके कमरे में टीवी ना रखें। बच्चों को ज़्यादा हल्की और मतवाजन ग़िज़ा खिलाएं, लेकिन कभी कभार बच्चों को चॉकलेट और केक खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पिलाएं और 2 गिलास दूध के और 1 गिलास जूस और फल का भी खिलाएं। अपने बच्चों के लिए खाना खाने के वक्त को दिलचस्प बनाएं और इनसे पूछें कि इन्हें खाने में क्या पसंद है, कौन सी सब्जियां और फल अच्छे लगते हैं, और फिर इनके पसंद के मुताबिक इन्हें खाने को चीज़ दें। अपने बच्चे पर कभी भी इसके वज़न की वजह से तंज ना करें, क्योंकि इससे वो किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। अगर स्कूल या पड़ोस में बच्चे इस पर तंज करें तो स्कूल में टीचर्स को और बच्चों के वालदेन से बात करके इस रवैये को ख़त्म करवाएं। सामईन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल एहसास इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमारे टिकटॉक चैनल एहसास इन्फो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो तश्कील दे सकें जो आपके लिए मददगार और मुआविन हो। ये मज़मून और ये वीडियो डॉक्टर
اسد خالد زبیری کی کتاب بچوں کی غذا اور دیکھ بھال سے ماخوذ ہے۔ شکریہ۔